तो दोस्तों, आप सभी जो भी लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि क्लैट के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो ओपन हो चुके हैं और क्या क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या लगने वाले हैं। यदि कंफ्यूजन आ रहा है तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं, कैसे होने चाहिए, क्या साइज होगी, किस प्रकार की अथॉरिटी से साइंड होनी चाहिए, हर एक चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक वीडियो देखना है ताकि सारे डाउट्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आपके खत्म हो जाए, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके डाउट्स भी अगर हैं तो वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। नीचे कमेंट करके भी बताना है कि अगला वीडियो किस चीज को आप जानना चाहते हैं, उस पर हम वीडियो बना के आपको जानकारी जरूर प्रोवाइड कराएंगे। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी जानकारी आपको डे टू डे लाइफ की लॉ से रिलेटेड, चाहे कॉलेज हो, करियर हो या फिर आपकी कोर्सेज हो, सब की आपको अपडेट्स मिलती रहे। चलिए क्लैट के रजिस्ट्रेशन हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं सारी चीज़ों को कि क्या क्या अब तक हुआ है क्लैट के लिए। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, ये रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन ही होने वाले हैं। ऑफलाइन वाला ज़माना अब गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी है। अभी क्या है, डेट्स की अगर बात करें तो विंडो ओपन हो चुकी है, मैंने वीडियो डाला भी था यहां। 15 जुलाई से लेके आपके जो रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं वो 15 अक्टूबर 2024 तक के लिए वैलिड है, यानी तब तक करना है। अब एक चीज क्लियरली दिमाग में रख लो कि 15 अक्टूबर दिख रहा है, आप कहोगे सर अभी तो बहुत टाइम है, हम बाद में कर लेंगे, तो वो बाद कुछ नहीं होता, आपको अभी करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, ताकि आपकी एक समस्या क्लियरली खत्म हो जाए। और जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो अपने आप को क्या करोगे कि उस चीज में आगे झोंकोगे कि आप रजिस्ट्रेशन हो गया, पढ़ भी लेते हैं, तो तैयारियों के लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो अंत समय के लिए नहीं बैठना है, सच्चाई ये है। दूसरी चीज, यहाँ पे एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा, वो डेट भी आपको पता है कि क्या है, दिसंबर 1। जी हाँ, 1 दिसंबर को ये होने वाली। दूसरी चीजें जो हमें याद रखनी है वो ये कि जो भी अपडेट्स इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें क्या करना है कि हमें चेक करते रहना है, डबल चेक करना है कि यार हमने सही भरी इंफॉर्मेशन या नहीं भरी, गलत तो नहीं भर दी। इसका ये मतलब है कि भाई हमारा माइंड कितना प्रेजेंट वर्क कर रहा है। दूसरी चीज यहाँ ये है कि सर आप कहोगे सर करेक्शन विंडो भी तो है ओपन, करेक्ट भी तो कर सकते हैं अगर गलती हो गई, तो भाई करेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन क्या हमेशा गलती ही करते रहोगे? कोशिश यही करना है कि गलती ना हो, अगर हो जाती है धोखे से तो उसके लिए है वो करेक्शन विंडो। ऐसा थोड़ी है कि हम टाइम पास ही कर रहे हैं, अभी गलती कर देते हैं फिर सुधार लेंगे, नहीं, कोशिश यही करो कि आप सही करें वो सारी चीजें, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें एग्जाम सिटी चूज करनी है वो कौन सी करनी है, जहां हम रह रहे हैं हमारा प्रेजेंट एड्रेस जो है उसके आसपास का ही करना है। क्यों? ताकि हेक्टिक ना हो जाए आपके लिए एग्जाम देना, कि जाए लंबा आपने टूर करा, जा रहे हैं थक गए हैं, मन नहीं लगा, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस पे मिल जाते हैं। तो पास जितना हो सके आपके सिटी के, उस एग्जाम सिटी को आपको एज अ एग्जाम सेंटर के तौर पर चूज करना है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी हम बात कर लें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगने वाले हैं। सो डॉक्यूमेंट्स हमेशा से, ठीक है, हमेशा से पहले क्लियरली चेक कर लेना है कि क्या क्या लगने वाले हैं। सबसे पहले हमारे लिए 10th की मार्कशीट लगती है, सर्टिफिकेट्स लगते हैं, कई लोगों की एक ही मार्कशीट होती है जिसमें मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होता है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बार बार, ठीक है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट लगनी है अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो। साथ ही साथ वो सारे बच्चे जो अपीयर कर रहे हैं 12th क्लास में और चाह रहे हैं कि यार हम एक बार ट्राई करके देख लें, तो उनके लिए क्या करना है, 12th अपीयरिंग का ऑप्शन चूज करना है। क्लियरली मेंशन रहेगा वहाँ तो आपको भी मेंशन कर देना है ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सो आइडेंटिटी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लगभग 8 से 10 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं जो होंगे इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा, आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी होगी आपके पास, पैन कार्ड, पैन कार्ड वैसे 18 से ऊपर वालों के बनता है और अगर इससे ऊपर हैं तो आप लगाएं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि उसको लगाएं, और ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि पैन कार्ड को एड्रेस प्रूफ के तौर पर ना लगाएं बिल्कुल भी, है ना, उसमें एड्रेस नहीं होता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। कम्युनिकेशन एड्रेस जो आपको रखना है वो प्रेजेंट एड्रेस रखेंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, आपके लिए, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। चलिए, इसके अलावा आपके पास क्या लगने वाला है, एक फ़ोन नंबर लगने वाला है। फ़ोन नंबर वैसे तो सभी के पास है, लेकिन कोशिश करना है कि ऐसा ना हो जो सिग्नल कम आते हैं, बार बार आपका आउट ऑफ रेंज बताता हो, ऐसा वर्किंग नंबर डालना है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, OTP वगैरह के लिए, मैसेजेस के लिए, अलर्ट्स के लिए, तो वर्किंग, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, पिताजी का भी,
या पेरेंट्स का भी आपको नंबर रखना होगा। वैसे ही यहाँ पे ईमेल आईडी रखते हैं ताकि, हाँ आजकल मांगने लगे हैं उसमें भी आपको अपडेट्स देते हैं, तो वर्किंग ईमेल आईडी आपको रखनी होगी यहाँ पे। पासपोर्ट साइज फोटोज लगने वाली हैं। जी हाँ, बच्चे गलती सबसे ज़्यादा जो करते हैं वो यही करते हैं कि यार फोटो ही तो हैं। जी नहीं, आजकल की वो फोटोज़ नहीं हैं जो आप जाते हैं फोटो शूट कराने। ये सिंपल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है जो कलर्ड होगी, पीछे बैकग्राउंड आपको सिंपल रखना है। जनरली जो प्रेफर किया जाता है वो वाइट बैकग्राउंड होता है, ठीक है। सामने की पोजीशन में आपको देखते हुए ये फ़ोटो खिंचानी होती है, इसमें कोई गलती ना करें। मैक्सिमम जो फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं उनका सबसे ज़्यादा जो कारण है वो यही है, फ़ोटो क्लियर ना होना। सो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना है। फिर आपको क्या करना है, जो साइज़ होगी फ़ोटो की वो 20 से 50 KB के अंदर होती है। जनरली कई बार इसको बढ़ा के 100 कर दिया जाता है, तो एक बार इंस्ट्रक्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा 20 से 50 की अभी फ़िलहाल ऑप्शन। सिग्नेचर जो आपको कर रहे हैं तो सिग्नेचर आपको वाइट पेज पे ही करना है, कहीं और नहीं। ब्लैक या ब्लू, इन दो पेन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जनरली ब्लू का करेंगे तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिग्नेचर ये होना चाहिए आपका। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो लग रहे हैं, इसके अलावा सर्टिफिकेट्स लगने वाले हैं। किन के लिए? देखो, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट सभी के लिए लगने वाला है। जो बर्थ सर्टिफिकेट आपका प्रूफ होता है, ये तो 10th की मार्कशीट में प्रूफ हो जाता है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो बनता है उससे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, आप कैटेगरी वाइज हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है। जो भी आपकी अथॉरिटीज़ हैं कंपिटेंट, मतलब जो भी उसको बनाने के लिए रेगुलेट करती हैं, वो अथॉरिटी का बना हुआ यहाँ पे वो पर्टिकुलर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, जनरली स्टेट और सेंटर, जैसे OBC SC ST के ये जो बनते हैं सर्टिफिकेट्स, वो दो बन जाते हैं, एक तो स्टेट वाला भी बनता है, एक सेंटर वाला भी। तो कोशिश करिए सेंटर वाला आप लगाएं, ठीक है, ताकि बार बार परेशानी आपकी ना हो। इसके अलावा अगर PWD कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट लगेगा, EWS का लगेगा, है ना, SC ST OBC है तो वो लगेगा, जो भी आपका है रिस्पेक्टिव कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं। तो BPL कैटेगरी से हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। स्टेट डोमिसाइल है ना, जो भी है आपका निवास वाला, वो भी लगने वाला है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको रखना है अच्छे से तैयार, और स्कैन कॉपी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल। मुझे लगता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, नहीं है तो उनको अवेलेबल कराइए, उनके लिए काम करिए, और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर देना है ताकि आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करना पड़े, उसके पहले ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और तैयारी प्रॉपर चलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए, ये वीडियो इतना ही अच्छा लगना चाहिए मुझे लगता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस डिटेल में कर लिए। लाइक करना है, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।